बिग बॉस ओटीटी कंटेस्टेंट बेबिका दुर्बे इन दिनों अपनी लड़ाई के लिए सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर होती जा रही है। पहले एलिमिनेशन के दौरान टॉप थ्री में रही बेबिका को उनके फैंस और व्यूअर्स ने बचा लिया था। प्रोफेशन से एस्ट्रोलॉजर और डेंटिस्ट रह चुकी बेबिका अपने स्ट्रॉन्ग गेम की वजह से भी काफी सुर्खियों में बनी हुई है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं बेबिका के डेंटिस्ट से लेकर एक्ट्रेस बनने का सफर कैसा रहा। एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ बेबिका किसी की आंख देखकर उनके फ्यूचर भी गेस कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, बेबिका तो मल्टीपल टैलेंटेड और इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इनकी पूरी लाइफ स्टोरी जानते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बेबिका का जन्म 26 जून को सपनों के शहर मुंबई में हुआ था। बेबिका ने अपने स्कूल की पढ़ाई मुंबई से ही कंप्लीट की है। इसके बाद इन्होंने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बेंगलुरु से डेंटल सर्जरी में बैचलर की डिग्री हासिल की है। बात करें इनके फैमिली की तो बेबिका के फैमिली में इनके पेरेंट्स के अलावा इनकी 5 बहने हैं और बेबिका सबसे बड़ी है। इनके फादर प्रोफेशन से एक एस्ट्रोलॉजर है और इसी वजह से बेबिका को भी एस्ट्रोलॉजी में अच्छा खासा नॉलेज है। बेबिका अपने एक इंटरव्यू में बताती है कि जब वो सिर्फ 10 साल की थी तो उन्होंने अपने माँ से रोटियाँ बनाना सीखी और उनकी फैमिली काफी बड़ी होने की वजह से वो सुबह शाम करीब 40 रोटी बनाया करती थी। साथ ही साथ बेबिका बताती है कि उन्हें स्पोर्ट्स में भी काफी इंटरेस्ट रहा है और वो अपने स्कूल के दिनों में फुटबॉल में अक्सर पार्टिसिपेट लिया करती थी और यहाँ तक कि वो इंटर स्टेट फुटबॉल मैच में विनर भी बनी है और जिसकी वजह उन्हें 1500 रुपये भी मिले थे। वो अपने स्कूल दिनों से ही काफी फ्रेंडली हुआ करती थी और अपने फ्रेंड्स को काफी एंटरटेन किया करती थी हंसी मजाक करके, लेकिन उनके फ्रेंड्स इस हंसी मजाक से काफी नाराज हो जाया करते थे। जिसके बाद बेबिका ने सोच लिया कि अब किसी फालतू इंसान को मैं एंटरटेन नहीं करूंगी। वहीं आपको बता दे, बेबिका बचपन से ही काफी अच्छी पेंटर भी रही है और वो काफी अच्छी अच्छी पेंटिंग भी बनाया करती थी। जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी, समझदार होती चली गई और साथ ही साथ उन्हें समझ आने लगा कि अब उन्हें अपना करियर एक्टिंग में ही बनाना है। इसके बाद इन्होंने साल 2020 में द इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट मिस इंडिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया और वो इस कंपटीशन की फाइनलिस्ट भी रही। इसके बाद इन्होंने लगातार कई सारे ऑडिशन देना स्टार्ट कर दिया। काफी लंबा स्ट्रगल, हार्ड वर्क, रिजेक्शनों का सामना करने के बाद लकीली बेबिका को साल 2021 में जीटीवी के सीरियल भाग्य लक्ष्मी में काम करने का मौका मिला और इस सीरियल में इन्होंने बेबिका ओबेरॉय के कैरेक्टर को प्ले किया। बेबिका को इस सीरियल से काफी पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन कुछ अपने पर्सनल रीजन की वजह से इन्होंने इस शो को छोड़ दिया। लेकिन करंटली यानी कि साल 2023 में बेबिका बिग बॉस OTT2 में नजर आ रही है और यहाँ अपने जलवे बिखेर रही है और फैंस इन्हें यहाँ काफी प्यार भी दे रहे हैं और बिग बॉस का हिस्सा बनने के बाद इनके फैन फॉलोइंग और भी तगड़ी होती जा रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनके लाइफ से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। वैसे तो आप सभी इस बात से अनजान नहीं होंगे कि बेबिका एक एक्ट्रेस बनने से पहले एक डेंटिस्ट थी और उनकी पहली सैलरी 1000 हुआ करती थी। इनको शॉपिंग करना भी काफी पसंद है और जब ये शॉपिंग करने जाती है तो अपने मम्मी पापा के लिए भी कुछ न कुछ जरूर खरीदती है और ये बताती है कि इन्हें काफी पसंद है। इनको फिल्म्स देखने के साथ साथ बुक्स पढ़ने का भी काफी शौक है। वहीं बात करें इनके पर्सनल लाइफ के बारे में, बेबिका बताती हैं कि उन्हें सिंगल रहने में ही काफी खुशी मिलता है और वो किसी को भी डेट करने से काफी डरती हैं और साथ ही साथ वो बताती हैं कि उन्हें खाने पीने का काफी शौक है और टाइम टू टाइम वो कुछ खाना बेहद पसंद करती है, लेकिन वो जब किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है तो उनका खाने से फोकस हट जाता है और जिस वजह से उनका वेट भी लूज हो जाता है। ये बेबिका का खुद का मानना है और वो अपने लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाती। इस वजह से उनका मानना है कि वो अपने लाइफ में सिंगल ही बहुत खुश है। फिलहाल बेबिका सिंगल है और उन्हें जितना उनके टैलेंट के लिए जाना जाता है उतना ही ज्यादा वो अपने कंट्रोवर्सी के लिए भी लाइमलाइट बटोरती रहती हैं। हाल ही में अपने दिए इंटरव्यू में बेबिका बता
जाती है। मैं हमेशा से बिग बॉस हाउस में जाना चाहती थी, यह मेरे लिए सपने की तरह है। मैं यहाँ हर लम्हे को खुलकर जीना चाहती हूँ और खुश रहना चाहती हूँ। मैं यहाँ गेम खेलने आई हूँ और पूरी दिल से खेलना चाहती हूँ, हर तरह से हरकतें आजमाना चाहती हूँ। मैं तो यहाँ गेम शो जीतने के लिए आई हूँ, जीतने की चाह मुझे भर भर कर है। मेरी एस्ट्रोलॉजी कहती है कि मेरे लिए यह साल बहुत अच्छा है, जहाँ कदम रखूंगी वहाँ अच्छा ही होगा। इनफैक्ट जितना चाहती हूँ उससे कहीं ज्यादा मिलने वाला है। वैसे तो बेबिका अपने स्ट्रॉन्ग गेम के लिए भी जानी जा रही है। अब देखना ये इंटरेस्टेड होने वाला है, क्या ये बिग बॉस ओटीटी 2 की विनर बन पाएंगी या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थी बेबिका के लाइफ स्टोरी से जुड़ी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।